स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में कि अगर रजिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच करते हैं तो उसका डेरिवेशन क्या होगा और उसका फॉर्मूला क्या होगा तो चलिए शुरुआत करते हैं वैन टू और मोर रजिस्टेंस वैन टू और मोर रजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स दे आर सेट टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रिक सर्किट बना हुआ है इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर दो पॉइंट है जैसे एक एक्स है और एक y है तो जितने भी रजिस्टर्स हैं वो सेम टू पॉइंट्स पे अटैच हैं फर्स्ट रजिस्टर भी देखिए x और y पे है सेकंड भी x और y पे और थर्ड भी x और y पॉइंट्स पे अटैच हैं फिगर बिलो सोज अ सर्किट डायग्राम वेयर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन तो जो आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट का ये है एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का जिसमें आपको पता ही होगा ये बैटरी है की है एमीटर है वोल्ट मीटर है और रजिस्टर्स हैं अब चलते हैं आगे थ्री कंडक्टर्स हैविंग रजिस्टेंस आर वन आर टू एंड आर थ्री तो जो हमारे पास कंडक्टर्स हैं उनका रजिस्टेंस है आर वन आर टू एंड आर थ्री आर कनेक्टेड इन पैरल इन पैरल कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस एकरॉस ऑल द रजिस्टेंस इज सेम तो यानी कि यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तीनों में ही सेम होगा हमने डायग्राम में भी आप देख सकते हैं एक ही वोल्ट मीटर यूज किया गया है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो तीनों में सेम होगा तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है V कैपिटल V लिख दिया है बट करंट इन ईच ऑफ रजिस्टेंस इज डिफरेंट यानी कि यहाँ पर जो करंट होगा वो डिफरेंट होगा यानी कि आई वन आई टू एंड आई थ्री आपको याद होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम होगा और इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू होगी तीनों ही रजिस्टर्स में या तीनों कंडक्टर्स में जो भी हो गई वो अलग अलग होगी आई वन आई टू एंड आई थ्री लेट आई वन आई टू आई थ्री आर द करंट फ्लोइंग थ्रू आर वन आर टू एंड आर थ्री रेस्पेक्टिवली दे तो क्या होगा टोटल करंट टोटल करंट की वैल्यू हो जाएगी I1 वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री और इसको हम इक्वेशन नंबर दे देंगे फर्स्ट तो चलिए इसका डेरिवेशन देखते हैं तो सबसे पहले हम लिख देंगे I इज इक्वल टू I1 वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री तो इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दी थी अब बाय ओम्स लॉ हमने ओम्स लॉ से क्या देखा था हमने ओम्स लॉ से देखा था वी इज इक्वल टू आई आर तो हम इसको क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर सिमिलरली मैं लिख सकता हूं आई वन इज इक्वल टू वी अपॉन आर वन आई टू इज इक्वल टू वी अपॉन आर टू आई थ्री इज इक्वल टू वी अपॉन आर थ्री इक्वेशन नंबर थर्ड फोर्थ और फिफ्थ अब हम क्या करेंगे कि जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ की वो पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ इक्वेशन सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इन इक्वेशन फर्स्ट तो जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा वी अपॉन आर इज इक्वल टू वी अपॉन आर वन प्लस वी अपॉन आर टू प्लस वी अपॉन आर थ्री तो एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो आप यहाँ पर P भी लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है अब हम लिख सकते हैं कॉमन ले, ले लेते हैं V को तो हमारे पास बच जाएगा वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री वी से भी कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा वन अपॉन आर पी इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया है पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस फाइंड करने का तो चलिए यह अब फॉर्मूला क्या बोलता है वो हम देखते हैं फॉर रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैल कॉम्बिनेशन रेसिपोकल ऑफ इक्विलेंट रजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑफ इंडिविजुअल रजिस्टेंस अब इसका मतलब क्या है वापस देख लीजिए ये जो मैंने अंडरलाइन की है इसका मतलब है वन अपॉन आर पी इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री फॉर रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैलल कॉम्बिनेशन रेसिपोकल ऑफ इक्विलेंट रेसिपोकल ऑफ इक्विलेंट रजिस्टेंस ये है हमारे पास रेसिपकल ऑफ इक्विल रजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिपोकल ऑफ इंडिविजुअल रजिस्टेंस तो ये हमारे पास इंडिविजुअल रजिस्टेंस है उनका रेसिपोकल का सम है तो ये हमारे पास आएगा कब जब हमारे पास जो सर्किट होगा वो होगा पैलल कॉम्बिनेशन में वैल्यू ऑफ इक्विलेंस रजिस्टेंस वैल्यू ऑफ इक्विलेंट रजिस्टेंस फॉर कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैलल कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज लेस देन वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट रजिस्टेंस इन सर्किट अब इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास थ्री कंडक्टर्स हैं और उनका रजिस्टेंस हमारे पास हम कंसिडर कर रहे हैं थ्री ओम फोर ओम एंड फाइव ओम हो ये हमारे पास थ्री रजिस्टर्स हैं जिनका रजिस्टेंस थ्री ओम फोर ओम और फाइव ओम है तो अगर ये सीरीज में नहीं हो के में हो अगर ये जो कंडक्टर्स या अपन रजिस्टर्स बोल रहे हैं तो ये अगर हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो जो इक्विलेंट रजिस्टेंस आएगा जो इक्विलेंट रजिस्टेंस आएगा आर पी इसकी वैल्यू जो स्मॉलेस्ट रजिस्टेंस है जैसे स्मॉलेस्ट रजिस्टेंस यहाँ पे थ्री है तो इससे भी कम होगी तो हम कह सकते हैं कि जो आर पी होगा वो लेस देन होगा आर वन वो लेस देन होगा आर टू और वो लेस देन होगा आर थ्री तो आर पी की जो वैल्यू है यानी कि जो रजिस्टेंस होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में उसकी वैल्यू हर एक रजिस्टेंस से लेस देन होगी ये पॉइंट आपको याद रखना है अब हम देख लेते हैं अगर हमारे पास दो रजिस्टेंस हो तो क्या होगा तो हमारे पास जो फार्मूला होगा वो बनेगा वन अपॉन आर पी इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू तो हम इसको लिख सकते हैं वन अपॉन आर पी मीन्स रजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आर वन प्लस आर टू डिवाइड बाय आर वन मल्टीप्लाई बाय आर टू तो हम इसको क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं आर पी इज इक्वल टू आर वन इंटू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू अगर हमारे पास दो रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन हो तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा हम इस फॉर्मूले को अप्लाई डायरेक्ट कर सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे